नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ द्वारा आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि जिले में हुए प्राथमिक प्रधान पाठकों की पदोन्नत की विसंगति के कारण जिला प्रशासन द्वारा परीक्षण कराए जाना चाहिए। महिला शिक्षकों को दूरस्थ दुर्गम स्थानों में पदोन्नत, एक ही विद्यालय में दो प्रधान पाठकों की पदोन्नत, संकुल में पद रिक्त होने के बावजूद कोयलीबेड़ा अंतागढ़ में पदोन्नति, एक ही शिक्षक को उस श्रेणी के साथ प्रधान पाठक पद में दोहरी पदोन्नति, अपात्र को पदोन्नति जैसे अनेकों लापरवाही किया गया है। पात्रता अनुसार व योग्यता अनुसार मिली पदोन्नति के साथ संवेदनात्मक पदस्थापना पदीय कार्य क्षमता में वृद्धि करती है, जो शैक्षिक गुणवत्ता के साथ अनुशासन के लिए भी आवश्यक है। जैसा कि ठाकुर सर ने कहा है अभी कि देखिए, अभी जो पदस्थापना हुई है पदोन्नति के द्वारा, इसमें संचालक लोक शिक्षण से बहुत स्पष्ट निर्देश जो है पहले से प्रसारित कर दिए गए हैं। उनका पत्र यहाँ पे निकला हुआ है कि सभी जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त संचालक इनका पालन करें। तो जो बातें हम लोग कह रहे हैं कि पद स्थापना के संबंध में निर्देश ये है कि जब आप पदोन्नति करते हैं और पद स्थापना करते हैं, तो अगर उसी विद्यालय में जहाँ शिक्षक कार्यरत है पद रिक्त है, पदोन्नत पद, तो पहले वहीं उसकी पोस्टिंग करनी है। अगर वहाँ पद रिक्त नहीं है तो संकुल में करें, विकासखंड में करें, नियरेस्ट जो विकासखंड है वहाँ करें, उसके बाद फिर दूरस्थ अंचलों में करना है। बहुत स्पष्ट निर्देश जो है संचालक का था, लेकिन भाई ये हमारा संगठन, चाहे वो कोई भी संगठन हो शिक्षकों से संबंधित, सारे लोग आज यही बात उठा रहे हैं कि पद स्थापना में भारी अनियमितता की गई है और इतनी सारी विसंगतियां हैं कि पूरी की पूरी लिस्ट जो है पद स्थापना की वो निरस्त करने योग्य है। और हमने कलेक्टर साहब से और जिला शिक्षा अधिकारी साहब से भी यही बात कही कि पूरी निरस्त करके सूची नए सिरे से नियमानुसार पद स्थापना की जाए, क्योंकि इस प्रकार की सूची जो आनन फानन में निकाली गई है, कई बार संकेत होते जा रहे हैं कि वित्तीय अनियमितता की भारी, लोगों से जैसा भी जब बातें लोग कर रहे हैं, तो जब लोग इतने बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कोई बात है, तो इसीलिए नियमों पर अनदेखा किया गया है। तो वो सही तरीके से नियमानुसार किया जाए, हमारी यही मांग है। कलेक्टर से मुलाकात करते हैं। आज हम कलेक्टर सर और जिला शिक्षाधिकारी महोदय से विभिन्न बिंदुओं को लेकर के शिक्षकों की जो समस्याओं को लेकर के मिले हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि वर्षों बाद हमारे शिक्षक एलबी वर्ग की पदोन्नति हुई थी प्राथमिक प्रधानाध्यापक पद पर, मगर शासन के गाइडलाइन के उलट महिला शिक्षकों को दूरस्थ अंचलों में दिव्यांग, किडनी, हृदय रोग से पीड़ित लोगों को बहुत दूर दूर भेज दिया गया है, पहाड़ी अंचलों में भेज दिया गया है। उसी प्रकार से जहाँ पर पद है वहाँ पर दो दो लोगों की पदोन्नति कर दी गई है। महिला शिक्षिकाएँ परेशान हैं, उन लोगों को हमारी मांग है इस सूची को फिर से पुनरीक्षण किया जाए और महिला शिक्षकों को प्राथमिकता देते हुए दिव्यांग, गंभीर बीमार शिक्षकों को प्राथमिकता दिया जाए और उसी ब्लॉक में पदस्थापना किया जाए। शासन के गाइडलाइन भी है, साथ ही साथ जो हमारे शिक्षक वर्ग है, जो सेवारत लोग हैं, उन सेवारत शिक्षकों के प्रकरणों पर प्राथमिकता से गंभीरतापूर्वक, संवेदनपूर्वक विचार किया जाए और जिस दिन हमारा शिक्षक सेवारत होता है उसी दिन उसको कम से कम अवकाश नकदीकरण और GIS की पैसा उसी दिन जारी कर दिया जाए। ये हमारी मांग है।